हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये आकृति ने सामान ऑर्डर किया था पर्पल से, तो उसका सामान आया है और वो ये देखिए कितनी खुश है अपना सामान देखकर। तो मुझे पता नहीं इसने क्या ऑर्डर किया था क्योंकि मैं शॉप पे थी। हैं, देखिए वो बता रही है आधा दिया है आधा नहीं दिया है। तो चलिए ये वो आपको यही बताएगी कि इसने क्या क्या मंगवाया है। पहले मैं खोल के देख लेती हूँ इसमें है या क्या क्या। ये एरोमा मैजिक का नीम एंड ट्री फेस वॉश है। ये हेयर सीरम है फॉलिंग हेयर वालों के लिए। ये नेल पेंट और ये एक्टिवेटेड चारकोल जो फ्री मिला है। अभी ये आधा ही सामान आया है, अभी मेरा आधा सामान आया भी नहीं है। ये बस का आटा जो मैंने मंगवाया था, कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा, ये सब बच गया है। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये नेक्स्ट डे काम आ जाएगा। फ्रिज में रखने से ये ख़राब नहीं होगा, तो पहले मैं इसे फ्रिज में रख लेती हूँ वरना इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और ये स्वाग के चावल खुले भी नहीं थे, यूज़ नहीं हुए, तो ये भी ऐसे ही इनको ऐसे रख देती हूँ। फिर आगे वो शिवरात्रि वगैरह का व्रत रखती है तो काम आ जाते हैं और ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे अगर आप फ्रिज में स्टोर कर देंगे इसे तो। और ये इलायची पाउडर है, ये मुझे पीसना है तो पहले मैं ये पीस के रख लेती हूँ। और ये पीस के रख दिया मैंने क्योंकि मुझे चाय वगैरह में अच्छी लगती है ये। और शाम हो रही है तो बच्चों को भूख लगी है, तो मैं यहाँ बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड। तो ये मेरे पास बटर है, इसमें मैंने लहसुन को पीस के डाल दिया था इसके अंदर, और थोड़ा सा बटर और डालूँगी क्योंकि पहले का पड़ा था। और इसमें ये ऑरिगेनो डाल रही हूँ मैं, तो बटर को मैं स्पून से फेंट लूँगी अच्छे से। ये मैंने रूम टेम्परेचर पे बटर को कर लिया है, बस थोड़ा सा और फेंटना है इसमें इसे मुझे। और इसमें मैंने ऑरिगैनो डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है और चिली फ्लेक डाले हैं। और ये है मेरे पास चीज़, और ये है अमूल का चेटर चीज़। तो यहाँ ब्रेड भी मेरे पास है और ओवन को मैंने प्री हीटिंग पर लगा दिया है। तो चल अब मैं इसको लगाने की तैयारी कर लेती हूँ कि किस तरह से इसे तैयार करते हैं। और बटर रूम टेम्परेचर पे हो चुका है मेरा, इस तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब पहले मैं इस पर बटर लगा लूँगी ब्रेड पे। और अब इसमें मैं चीज़ लगा दूंगी। और यहाँ ग्रिल पे मैंने इसे बनने रख दिया है, तो सभी ब्रेड पे मैंने चीज़ डाल दिया था। और यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। और ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। बस ये तैयार है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो आशी स्कूल जा चुकी है और उसे मैंने दिए हैं आज ब्रेड पकौड़े, तो वो जा ही रही है बस। तो वो रही आशी। और कोई सब्जी वगैरह बनी नहीं हुई, मतलब टाइम नहीं था, थोड़ा आटा भी नहीं मला हुआ था, तो उसे मैंने ब्रेड पकौड़े ही बना दिए थे। वैसे वो कम ही लेके जाती है ब्रेड पकौड़े वगैरह। और यहाँ पर जो सामान रखा था इसमें आ रही थी सीलन, तो ये सब ख़राब हो रहा है, तो मैंने कहा पहले इसे ही निकाल लेती हूँ। और जो ये ब्लॉग है ये 2-3 दिन का मिक्सचर ही है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। और इसमें पानी बर्तन का ना थोड़ा पानी वानी गिरता रहता है, तो इस वजह से इसमें सीलन सी रहती है। छोटे छोटे से कीड़े भी हैं, तो इनको पहले मैं हटा के फिर यहाँ पर वो दवाई डाल दूँगी जिससे कि यहाँ से सारे कीड़े निकल जाए। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ सिर्फ ऐसी बॉटल्स वगैरह ही सामान रख दूँ जो ख़राब नहीं होता, और मसाले वगैरह यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से हटा रही हूँ इन्हें।
और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है सबका, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। तो ये हाँ मैं थोड़ी सी अपने लिए पोहा वाली नमकीन बना रही हूँ। मैंने कड़ी पत्ता हींग डाली है इसके अंदर और नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्च डालूँगी मैं, तो बस इतनी सी ही बनाऊँगी अपने लिए मैं। और यहाँ बन रही है चाय, और आज घर भी समेटना है क्योंकि 2-3 दिन से ठीक से काम हुआ नहीं है तो बहुत फैला हुआ है किचन। तो मैं हाथ के काफ़ी कुछ हद तक समेट चुकी हूँ। तो घर देखिए पूरी तरह से फैला हुआ है, और ये ग्लास है ये 3 दिन से यहीं पड़ा हुआ है। तो बस अब मैं ये सब सामान समेटूंगी, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी, और आ जाइए आप भी पी लीजिए चाय। और नमकीन भी बनकर तैयार है, तो यहाँ हर जगह बस सामान ही सामान है। तो बस यहीं मैं अपनी ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।